इन्फो फॉर पेशेंट। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ पेरेंट्स के जेहन में होता है कि एक दफा इम्प्लांट हो गया और उसके बाद बच्चा ठीक हो गया, तो क्या इसकी कोई रनिंग कॉस्ट भी होती है? तो जी हाँ, ये एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस होती है और जैसे आम हीरे के उठता है उसमें भी सेल डलते हैं, इसमें भी सेल डलते हैं। तो सेल का ऑप्शन होता है, कुछ चार्जेबल सेल होते हैं, कुछ आपको वैसे भी सेल डालने पड़ते हैं। तो इसकी एक रनिंग कॉस्ट होती है। चूंकि ये छोटे बच्चों की डिवाइस है तो जो एक्सटर्नल रिसीवर होता है उसकी समटाइम्स बच्चे वायर तोड़ देते हैं, गुम कर देते हैं, इसकी रनिंग कॉस्ट होती है। इस ये भी पेरेंट्स के जहन में होना चाहिए। तो जब भी आप इम्प्लांट सेलेक्ट करें तो आप उनसे ये पूछिए कि इसकी पर मंथ इनके सेल की चार्जेस क्या हो गए, अगर ये डिवाइस टूट जाए, वायर रिप्लेस करना पड़े, उसका रिसीवर गुम हो जाए, तो ये फिर उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो हर इम्प्लांट की, चाहे वो कोई भी ब्रांड का होगा, उसकी एक रनिंग कॉस्ट होती है।